दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने समन जारी किया है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 14 जुलाई को साकेत कोर्ट में पेश होना है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंध रखने के आरोप में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करने के साथ जिन 10 और संदिग्ध को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनमें से 4 लोगों की काउंसलिंग कराई जा रही है। गिरफ्तार किए बाकी 6 संदिग्धों से पूछताछ अभी जारी रहेगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत कांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑगस्टा पर बीजेपी सरकार गंभीर नहीं है। छात्रावास सुविधाओं में छात्रों की तुलना में छात्राओं के साथ भेदभाव के आरोप के बाद दिल्ली महिला आयोग ने 23 विश्वविद्यालयों और 2 संस्थानों को नोटिस जारी कर सालाना शुल्क के साथ छात्रावास सुविधाओं में मौजूद नियमों की जानकारी मांगी है। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने शिकायत की थी कि लड़कियों को दिल्ली में छात्रावासों में भेदभावपूर्ण नियमों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता विजय गोयल ने मांग की है कि दिल्ली में ऑड इवन का अगला चरण लागू होने से पहले जनता के बीच सर्वे होना चाहिए। विजय गोयल के मुताबिक ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की निगरानी में होना चाहिए। सड़क हादसे में घायल हुए केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को दिल्ली के एम्स से छुट्टी मिल गई है। बाबुल सुप्रियो शुक्रवार शाम दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सुब्रत पार्क के निकट एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। दिल्ली और केंद्र सरकार ने 2.5 साल के भीतर यमुना सफाई के लिए 825 करोड़ रुपए की लागत से विस्तृत योजना शुरू की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की उपस्थिति में तीसरे यमुना एक्शन प्लान के तहत इस योजना की शुरुआत हुई। संस्कृति मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन की ओर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 14वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्कृति महोत्सव में 17 देशों के 400 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। शाहरुख खान की हालिया फिल्म फैन को लेकर दिल्ली के एक मिठाई कारोबारी ने लीगल नोटिस भेजा है। कारोबारी ने आरोप लगाया है कि फिल्म में उनके ब्रांड को बिना उनसे परमिशन लिए ही दिखाया गया है।